जॉन का फोन आ गया अभी कि गाइस कहां हो, बेचैन हो रहा हूं। गाली वाली नहीं होती मेरे ब्लॉग में। हां हेलो जॉन, हां भाई आ गए हम। हां जी, तो क्या हाल है सबके? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप बताओ? सुबह का टाइम हो रहा है, जगमग जगमग सूरज जला हुआ है और काफ़ी अच्छी ब्रीज चल रही है भाई, स्प्रिंग ब्रीज चालू हो गई यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया ब्रीज चल रही है। थोड़ा सा ना धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आवाज़ की गली की माँ बहन हो रखी है, मौसम चेंज होने से होता है ना जो हिसाब किताब, वो हो गया मेरे साथ, तो थोड़ा सा आराम आराम से बोलना पड़ रहा है। और बाकी हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़, आज हमारे ऑफिस वाले जा रहे हैं, वो एक्चुअली ये अपना जॉन अब्राहम नहीं है, एक एक्टर एक्टर है कोई, तो कह रहा था मेरी मूवी आ रही है, आ जाओ यार तुम लोगों देख लोगे, थोड़ा सा प्रमोशन वमोशन करवा दोगे तो सही चल जाएगी। तो हमारे पास टाइम नहीं था, बट दोस्तों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो भैया थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपनी स्केड्यूल में से जा रहे हैं, अब देखो क्या होता है। चलो, कैसा कैसा क्या क्या सवाल पूछने हैं, कुछ रेडी क्या है? कुछ रेडी, मैं तो रील बना के आऊंगा। अच्छा, बस रील बनाने जा रहे हो? माओ तुम बाइक चमकाने जा रहे हो? अरे मैं उसी दूर जाने में को बाइक चमका रहे हैं, उसके 17-18 बाइक है, मैं चमकाऊंगा बाइक। और क्या एटीट्यूड में चमकाओ। ये जी अपनी गाड़ी आ चुकी है और यहाँ पे अभी लड़ाई होने वाली है कि खिड़की की साइड पे कौन बैठेगा। मगर चौथ को बैठने नहीं दूंगा भाई, मेरे को यार समझा कर, उल्टी आती है, समझा कर अंदर जा। भाई उल्टी उल्टी हाँ बैग थोड़ा बेस्ट फ्रेंड है नहीं। चलो जी सवारी चल पड़ी है। गाइस हम लेट चल रहे हैं, जॉन का फोन आ गया अभी कि गाइस कहाँ हो, बेचैन हो रहा हूँ मैं। मैंने नहीं किया रिप्लाई, मैंने कह दिया एटीट्यूड है मेरे में, तो है 40,000 सब्सक्राइबर होने वाले, मेरे में एटीट्यूड है भाई। ऐसे मत कर, वो मेरी ब्लॉग्स देखता है सब, जहाँ जहाँ मैंने मतलब वीडियोस वगैरह देखता है, शेयर तो नहीं करता लेकिन यार थोड़ा मारा तो उसमें भी भाई हेलो जॉन, हाँ भाई आ गए हम। किससे बात कर रहा है? जॉन से। जॉन तो मेरे से कर रहा है, दोनों को ले रखे उसने, कॉन्फ्रेंस कॉल है, देखो आवाज नहीं आ रही मेरी। अच्छा सॉरी, मैं जैकलीन है। अच्छा पहुंच गए हैं, तो ये है फर्स्ट फ्लोर पे अटैक मूवी प्रश्मीट, तो इधर हम आ गए हैं एंड ये है डायरेक्टर ऑफ द हाय ही इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी अटैक, लक्ष्य राज आनंद। काश मेरे पास भी राहुल जैसा कोई होता मेरी एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये पूरा सेटअप बना रखा है यहाँ पे, यहाँ पे अभी ये पूरी प्रेस मीट होगी, हमारा तो थोड़ी देर का काम है, इनका पूरा प्रेस मीट होगा, तो यहाँ पे अभी सब लोग आएंगे। आई गेस इतना बोला है, आधा घंटा बोला है कि आधा घंटा लगेगा अभी। जॉन भाई नहीं, कौन सी बाइक? हार्ले क्या? उनके पास हार्ले है ही नहीं, गिफ्ट कर दी ना तो कैसे होगी उनके पास, तो फकिंग लूज है यहाँ। और कुछ प्राइवेट बात तुम्हारी जो भी था? कुछ नहीं, हम जिम साथ करते थे, जिम साथ करते थे, जमन को ट्रेन करा रहा था, फिर उन्होंने जिम छोड़ दिया। फिर वहाँ वो डब्बे वाली बॉडी बनाने चले गए। मैंने तो साफ कह रहा था कि वो डब्बे डुबे मारी, सप्लीमेंट नहीं लेना। सेकंड पार्ट में आऊंगा, तुमको भी आना है व्लॉग बनाने का, इस तुमको भी आना है पार्ट टू में, पार्ट टू में मैं लीड हूं। हां, जॉन भाई आएंगे रील बनाने, इंस्टाग्राम पे रील बनाएं जो मैं डाल रहा हूं आज, वो वैसे ही कुछ मतलब बना रहे हैं, वैसे एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए ना, अगर बड़े आदमी बन जाओ, बाल बाल सही कर लो लोग, इसलिए तो लाए हूं फोन ये करो। या सो गाइस पार्ट टू का वेट कर रहा हूं, बर्फी और अटैक का दोनों। जैकी के साथ जाते थे ना? जैकलीन हो गई। हाँ, हम हाउस कास्ट में जाते थे हुक्का पीने, इनको मजा आ गया था कि हमारी दोस्त नहीं है भाई, मेरे कॉलेज में थी यार। और क्या, बीए कर गोल गप्पे खाए हमने तिलक नगर में कितने। हाँ, प्यार भी रह गया दूरा, वो भी रह गया, वो आ गई हीरोइन बन गई, मैं प्रमोट करने आया। जॉन से बोलो जरा प्रोटीन डाइट ले आए मेरे लिए। हाँ यार, सप्लीमेंट वप्लीमेंट थोड़े बहुत ठीक कर रहे हैं, भूख लग रही है यार, प्रोटीन डाइट मंगवा दो। हेलो जॉन भाई, वेट करो, जल्दी आ जाओ यार। अरे ये सब मत ले यार, क्या कर रहे हो? क्या मतलब माँ चुदा कुछ टिप दे रहे थे, क्या गंदी है जॉन की? अरे बता तो दे, कह रहा चेस्ट गंदी है, चेस्ट गंदी है, चेस्ट गंदी है, तू बता भाई क्या दे, टिप दे दियो कुछ, टिप दे दे। अरे जॉन से डायरेक्ट बातचीत है, बताना। अरे नहीं, चेस्ट थोड़ी सी उसकी कैसी है,
टेढ़ी है इसके लिए सीढ़ियां हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी वह मतलब यह कि इन्होंने तकलीफा नाल डील करना होंगे अभी जॉन ने बोला कि प्रोटीन डाइट ले लो तो सब लोग प्रोटीन डाइट लेने जा रहे हैं क्योंकि गाइस मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ा जिम मार के तुम लोग तब तक जाओ तो इडली वंडे खा लो मेरा मेरे को निकनेम से बुलाता है वो बड़ मुझे बड़ बोलता है बेस्ट बड़ फेंक दिया जाता है भैया दो चाय भैया तो भाई यहाँ पे इवेंट चालू हो गए ये रे जॉन भाई हमारे दोस्त हमारे बेस्ट बड रील की प्रैक्टिस कर लेते ऐसे जाओगे ऐसे आए पीछे छुपो ऐसे छुपे फिर ये हरकत बैड हैबिट चेस्ट को बता देना टिप्स दे दे चेस्ट के लिए इसके अंदर क्या करेंगे साउंड नहीं आ रहा देखे आपका पोस्टर देखा तो मैंने फोटो खींची थी मैंने कहा जब मिलूं आपसे दिखाऊंगा जरूरी शिवम बहन जो चुप हो जाएगा जब मैं अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं गाली वाली नहीं होती मेरे व्लॉग में अभी उतरे हैं यहाँ पर और इधर बैठा अगर तू मेरी चीज पे बैठ की बूटी खाने के लिए निकले हैं यहाँ पे भाई ज्यादा मत खाना आफ्टर पार्टी में भी तो खाना है अभी आप तो अच्छा जो जॉन के साथ जैकलीन के साथ आफ्टर पार्टी हमारी बेटा उसमें तो इनवाइटेड नहीं है मैं और हर्ष इनवाइटेड नहीं मेरे को पहले ही बुला लिया है मुझे तो बोला है जॉन ने मैसेज करके कि इनको भी ले आना बोला जॉन मेरा दोस्त है दोनों व्लॉगिंग कर रहे हैं कैमरा बंद हो गया हमारे साथ कुछ भी खाते हैं ना 20 रुपए की पैटी भी लेते हैं तो भी निकलते हैं ये जीवन वैसे मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता लेकिन क्या करूँ पैसे भी तो कमाने नहीं मतलब सही है ठीक है जब तक पैसे आ रहे हैं तब तक वैसे कुछ है नहीं कैमरा लेके घूमना वैसे मजा नहीं आता ये हर चीज कैमरा है जो 2 रुपए की पल्स टॉफी ली उसके लिए भी कैमरा निकालो फिर ठीक है तू क्या करेगा मैं बना लेता हूँ चलो जी गर्मियों का हसीन तोहफा को कहते हैं कोल्ड कॉफी अरे खोलो यार व्लॉग बना रहा हूँ इतने बड़े लोग रख रखे हैं मैंने गेट खोलने के लिए भाई वो जॉन कह रहा था तुमने उसका हाथ दबा दिया तेजी में पता क्या भाई हम मिले फर्स्ट टाइम जब आए थे ना तो आया तो मैंने ऐसे हाथ मिलाया मैंने ऐसे करा मैंने ऐसे हल्का सा प्रेस किया जस्ट देखने के लिए कितना टाइट आता है यू ऐसे हो गया ऐसे हो गया नहीं ऐसे हो गया था ऐसे मैंने फिर थोड़ा हल्का हाथ रखा मछली आ रही है खाना डाल दे वो बहन चुनस कहाँ है पीनस तो पहले अमित और जॉन भाई की फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ इसका रीमेक करेगा हर्ष फोटो तो दिखाओ इधर चल भाई हां चलो देख ली फोटो हां चलो बनाओ जैसे ना हगने जा रहा था एकदम से भाई ने बोल दिया कि भाई मैं फोटो खिंचा ले खिंचा ली अगली फोटो अच्छा ये लास्ट में होगी चलो ये देखो ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्योंकि काम वाम करता है बगल में काम करता तो वही बार फोटो जब पैकअप फोटो खिंचा ली ये नॉर्मल है सबसे बढ़िया जो फोटो है भाई राहुल की ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जॉन भाई ने ना
इसके घर पे कोई दिक्कत हुई है, पैसा वैसा इकट्ठा कराया, तो इसका ना बहुत उपकार है जॉन भाई का इसके ऊपर। तो ऐसे कि भाई थैंक्स, आपने आपने मदद करी मेरे परिवार की, आपने keto.org से मेरे लिए पैसे इकट्ठे करे, तो प्लीज देख भाई देख कैसे भाई। अरे भाई डाउन है, तीन बहुए डाउन है आदमी। जॉन भाई गरीबों की बहुत मदद करते हैं, उनमें से इसकी ऐसी मदद करी ऐसा लग रहा है। और भाई नहीं लग रहा तो बता दो, इसको इसके परिवार को मास्क बांटे, अभी इसके मोहल्ले को पूरे मास्क बांटे, वहां का प्रधान है ये, प्रधान मतलब ये लग रहे भाई बराबरी की टक्कर। ये दोनों स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू। राहुल क्यों इमोशनल? मेरे परिवार की मदद करी, पिताजी का होता बाप हूँ, बाप फादर डैडी। देखो जी लड़ाई होने लग गई, गंदे ड्राइवर ने कहीं और ले ली। मेरे ड्राइवर ने, गंदे ड्राइवर ने भाई साहब, जब आपको OTP टाइम पे दिया, पैसे टाइम पे दे रहे हैं, ये लंबा रूट ले जा रहे हैं ताकि ज्यादा पैसे बने। ओ भाई साहब, ओ हेलो भाई, हमें यही उतार दो, हम दूसरी कैब कर लेंगे। भाई साहब भाई पैसे नहीं करनी थी, नहीं भाई साहब, भाई साहब क्या रहा, भाई साहब हंस क्या रहा, मामा क्या रहा, हंस क्या रहा जी, बंदर गाड़ी साइड लगा ले, हरियाणा कितना उतर जा, हमने सॉरी यहाँ पे हिंसा नहीं होगी मेरे होते हुए। मेरा खून गरम है थोड़ा। मामा ने गैस चेम्बर बना दिया, गैस चेम्बर बना दिया मामा ने। जब पाद भी जब टट्टी करेगा ना तो उसे ऐसी स्मेल आती है। नहीं टट्टी भी पाद करेगी तो टट्टी पाद मतलब समझे तुम, पाद ने भी पाद मारा है। पाद ने भी पाद मारा है, कुछ भी तेरे जो गांड से निकला वो था कुछ भी। वो तो बहुत कुछ था। वो तो बहुत कुछ था भाई क्या है वो, जला दिए नाक के बाल, जो गूगा ड्राम 15 मिनट में दूसरी मिसाइल लॉन्च करते हुए इसरो वाले मामा जी, दहशत में ऑडियो, वो दहशत में पब्लिक पे पहुंच के बता तो दिया कर, दिक्कत है कि वैन से साइलेंटली कर रहा है, वार्निंग दे दे भाई हमें नहीं सुनूं ना। पिछले 1.5 घंटे से इस ऑफिस में फंसे हुए हैं, लाइन घुटना भी फंसा हुआ है बेचारे। अभी घर पे आ गए, अभी रात को जाना है तो उसके लिए प्रिपेयर करने आए हैं। दिखा दे एड्रेस, दिखा दे अच्छे से आ जाए ताकि लोग। जॉन यहीं पे कह रहा है ऑफिस ही आएगा, वो अंदर आया, हमारा प्लान है ना फीफा का, जॉन और तुम्हारा, जॉन अंदर फीफा का प्लान। जॉन तो मेरे साथ कह रहा था कि आज कुछ बैठेंगे, मटर रिस्ट करेंगे। जैकी भी आ गई है, प्रमोशन करने हैं। ऑल्दो मेरा मन बहुत था कि तुम लोगों के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, मैं बहुत मजा आया कल रात को पार्टी करके जॉन भाई के साथ, मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदे हैं। एंड अभी हमारा प्लान बन रहा है कि हम लोग गोवा भी जाएंगे कुछ दिनों में, एक बार ये मूवी रिलीज हो जाए, जो भी आ रही है ना अटैक मूवी, वो रिलीज हो जाए, उसके बाद पूरी टीम एंड विद जॉन उनकी बाइक पे, उन्होंने कहा है कि बाइक पे गोवा चलते हैं, एक रोड ट्रिप हो जाएगी। सो हमारे पास टाइम की कमी थी हमारी टीम के पास, बट हमने फिर भी कहा कि यार चलो अगला बंदा इतना बुला रहा है तो विल जस्ट गो, तो रोड ट्रिप भी जल्दी आएगी, ठीक है। बाकी अगर ये व्लॉग पसंद आया, आई नो तुम सबको बहुत पसंद आया होगा, बिकॉज बहुत बकचोदी हुई है इसमें, ठीक है, तो इसको कर देना लाइक, शेयर करना इस व्लॉग को और कमेंट करना अपना फेवरेट पार्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 50,000 जल्दी करवा दो, थोड़ी सी खुशी मिले मुझे भी है। और बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत मस्त बकचोदियाँ होती हैं। बाकी बहुत सारे चैलेंजेस एंड चीज़ें प्लान कर रखी हैं, वो भी बहुत जल्दी आएंगी, तो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, गाजियाबाद रहो, बाय।